इट्स मी लियोन, स्टैक प्लेयर इन फायर एमसी, जहां मेरे पास कोई चीज की कमी नहीं है, चाहे बात हो मिलियनों में पैसे की या सल्कर ऑफ आर्मर, 200-300 स्पॉनर्स से लेकर सल्कर ऑफ टून्स, स्टैक पे स्टैक डायमंड एंड आप लोगों का प्यार, कोई चीज की कमी नहीं है। एंड अगर आप लोगों को भी चाहिए होगी अगली वीडियो इविलियस की वॉइस रिवील, तो इस वीडियो पे कर दो 500 लाइक तो अगली वीडियो आ जाएगी इविलियस की वॉइस रिवील की। एंड वो कोई एडिट नहीं होने वाली, उसकी वॉइस एडिट नहीं होगी, मैं एज प्रूफ अपलोड करूंगा, आप लोग उसे खुद चेक कर सकते हो। बट शुरुआत से ऐसा नहीं था, शुरुआत में मैं भी आप लोगों जैसे एक बिगिनर प्लेयर था, मैंने सिंपल एक डायमंड आर्मर हुआ करता था, वो भी नहीं होता था भाई। लोग बताने वाले अपना डे वन से लेकर अभी तक का कि आखिर मैंने कैसे इतना ग्राइंडिंग किया, तो इस वीडियो को एंड तक बने रखना। एंड साथ ही में इस वीडियो में कुछ गिव अवे भी करने वाला हूं, सो वॉच टिल एंड। मैंने सबसे पहले फायर एमसी ज्वाइन किया था सीजन 1 में, जब सीजन 1 एंड होने का बाकी था कुछ 1 मंथ, तब मुझे उस समय कुछ सीएमडी भी नहीं पता था, मुझे मेरे फ्रेंड ने सीएमडी बताया था। मुझे बस इतना पता था फायर एमसी सर्वाइव करने के लिए हमें लगता है मनी, एंड मनी ग्राइंड करने के लिए मुझे बनाना पड़ेगा बहुत बड़ा शुगर केन फार्म या माइन करना होगा डायमंड। तो मैंने एक एक्स लगाया जो कि ऑफकोर्स वर्क नहीं करता था, तो उससे मैं थोड़ा माइन करता था डायमंड। एंड मैंने उसकी वीडियो भी अपलोड की थी जिससे मैं ओनली 10-20 के कमा पाया था, या वो बहुत कम था। एंड इसके बाद मैंने बहुत दिन बाद एक बहुत बड़ा सा शुगर केन फार्म बनाया जिससे मैं आराम से 200-300 के मनी बर्ड हार्वेस्टिंग कमा लेता था। एंड आई थिंक उस समय अंबानी इवेंट चल रहा था या तो मैं उससे बहुत मुश्किल से कैसे कैसे करके नेडराइट आर्मर बनाया था। एंड उसके बाद सीजन एंड हो गया लॉल, एंड मैं इससे बेसिक ग्राइंडिंग को समझ गया था कि आखिर फाइनेंस में सर्वाइव कैसे हो सकता है। तो मैं जैसे ही अगला सीजन आया, मैंने जल्दी से जल्दी एक विलेज ढूंढ के विलेजर कैप्चर करके रख लिया, एंड उनसे मैं प्रॉट 4 की कुछ बुक एंड मेंडिंग की बुक ग्राइंड किया, या मैं पे वो अभी तक रखा हुआ है, मुझे वो काम नहीं आया लेजिट। हाँ डायमंड मैं पे उस समय नहीं था, थिंक किया तो मैं इसके बाद वो रेड हो गया या उसके बाद मैं कुछ स्टफ नहीं रहा। एंड इसके बाद मैं बेस रेड करने लगा जहाँ मुझे एक बंदे को मार के मूला प्रॉट 4 का आर्मर डायमंड आर्मर मैक्स, भाई मैं इतना खुश हुआ था बता नहीं सकता। एंड उसके बेस पे और भी बहुत कुछ स्टफ था जो कि मैं सब उठा लिया, ऑफकोर्स नोबरे का सब निकाल लिया। एंड इसके बाद मैंने एक और बेस रेड किया था जब मेरे सीजन 2 में, जब मेरे पे कुछ खास कुछ भी नहीं था, मैं सब चला गया था उस समय, उस बेस से मुझे मिला था कुछ 200 के लैजिट और 2 फ्लोर बहुत बड़ा शुगर केन फार्म था। बहुत बकवास सुन ली मेरी, एंड ओ बिग फैन बोल रहा है, काम करते हो उसे 50K पे कर देता हूँ एंड डन। अब कोई ये मत समझना मुझे बिग फैन बोल के 50K ले लोगे, मैं उस वीडियो में देता हूँ ओके। एंड मेरे पे कुछ अभी 39 है मनी है, एंड या एक मैं काम, मेरे पे बहुत सारा आर्मर भी है एंड वो मेरे मिस्टिकल का भी सामान है, मैं उस मिस्टिकल का सामान को बेच सकता हूँ। एक मिनट ये चेक करता हूँ कितने में बेचते हैं लोग। वाट एक एक मिस्टिकल का सामान ओनली 25 M, भाई मैं नहीं रुकने वाला, एक काम करता हूँ इसे बेचता हूँ 100 M में, भाई कोई लेगा? नेवर माइंड, ले लेना चाहिए भाई, 100 M में बेच देता हूँ एंड डन। एंड मेरे पे कुछ अभी वोट की भी पड़ी हुई है, मैंने उसे क्यों नहीं खोला, आई डोंट थिंक सो ओके। स्पॉन पे चलते जल्दी से ओके। ये कॉमन की एंड इस आयरन ब्लॉक लॉल यार छी भाई ओके, एक और ट्राई करते हैं। एंड इससे चिकन स्पॉन है, मतलब क्या करूँ, अचार बना के खा जाऊँ क्या? कोई नहीं, एक और चेक करते हैं, ये लास्ट है। अरे भैंस क्या पाउडर में डाल रहा है ओके, इससे क्या मिलता है? छी भाई पूरा बैड लक इन 200 एम पे ओके। मैं ओल्ड वाली जगह पे आ गया एंड ये रहा ब्लू सर्कल, एंड इसको मैं अभी यहाँ लगाने वाला हूँ ओके। एंड इसमें मेरे पे या देख लो बहुत डायमंड एंड राइट ब्लॉक आइंगट भी है, तो मैं यहाँ पे भी आप यहाँ पे मैं कुछ 4-5 डायमंड ब्लॉक लगाने वाला हूँ, जो जीतेगा आ जाना। एंड मेरे पे कुछ इतना आयरन भी है या नो, आई नो बहुत है। एंड भाई ये मैं फालतू में लगाया हूँ, एक काम कर तो पहले इसे तोड़ो, भैंस की इसे तोड़ो पहले ओके। एंड ये और आप लोगों को साइड में कॉर्ड दिखती होगी, आप लोग आ सकते हो यहाँ पे जिसे आना है यस। एंड मैं अभी अपना टोटल हर्ट निकाल रहा हूँ क्योंकि भाई ये हर्ट स्टीन में पूरा हर्ट रिसेट हो गया सही में। एंड मेरे पे जितना हर्ट है मैं एक्स्ट्रा बचा के रखा, तो सब निकाल लिया भाई, 20 हर्ट टोटल हुए हैं। एंड बस ये सब लगाना है, साइड में कॉर्ड दिखता हो आ जाना, यहाँ पे कुछ डायमंड ब्लॉक लैपिस ब्लॉक है, आके ले लेना जिसे चाहिए हो। अब चलते हैं अपने उसी ओल्ड कहानी पे। एंड इसके बाद मैं कुछ ऐसा करता हूँ लेजिट, कुछ ऐसा करता हूँ जिसे मेरे पे डायरेक्ट 30 M आ जाता है, और मैं आ जाता हूँ लीडर बोर्ड पे। भाई वो बात अलग है, अभी सबके पास बिलियन में मनी है हाँ पर, और वो मैं कैसे किया था भाई वो डार्क सीक्रेट है, मैं अभी तक रिवील नहीं किया हूँ। जल्दी एक वीडियो आने वाली है डार्क रियलिटी ऑफ फायर एमसी, मैं उसमें सब बताने वाला हूँ, सो वेट फॉर दिस ओके। लाइफ स्टाइल का तो बात पूरी हो गई, अब चलते हैं हर्ट स्टील पे। तो हर्ट स्टील के स्टार्टिंग में ही मैं और मेरे फ्रेंड ने मिलकर बहुत बड़ा सा विलेजर एरिया बनाया था जहाँ पे बहुत सारे विलेजर थे एंड इंचेंटिंग रूम एंड स्पॉनर, जिससे हम लोग स्पॉनर से एक्सपी कलर कलर के आर्मर इंचेंट करके बेचते हैं, जिससे मेरे पे पैसा है 11 M। या मैं स्ट्रिंग बेच बेच कर एमरेड खरीदता था और ब्लॉक ऑफ एमरेड बेचता था, या
एंड एक एक एम में एक एक स्टैक, एंड कौन बंदे हैं वो जो ले लेते थे, या वो ले लेते थे जो भी हो, मुझे तो पैसे से मतलब है। एंड इसके बाद मैं जल्दी 300 स्पॉनर भी कलेक्ट किया हूँ, नहीं देखा जाके देखो। एंड लाइफ स्ट्रीम में मैंने 100 स्पॉनर कलेक्ट की थी। एंड अगर आपने मेरी ऑल स्टफ देखना है तो मैंने कुछ पहले अपलोड कर रखा है, माय ऑल स्टफ इन फाइनेंस, जाके देख सकते हो। देखो यार कर क्या रहे हो। तो या एंड हाँ, मैं आप लोगों को बताना भूल गया, मैंने एक रेड फार्म भी बनाया था लाइफ स्टील में। एंड मैं पर सर्कल 200 के आराम से बेचता था 300 के में। एंड मैं जल्दी ही कुछ 1 सर्कल या 2 सर्कल ऑफ डायमंड आर्मर गिव अवे करने वाला हूँ मैक्स, ठीक है, मैक्स लाइक प्रॉड 4 एंड ब्रेकिंग 3 मैंडिंग भी हो सकती है, वो देखना पड़ेगा। तो या एंड अगर आप लोगों को भी अच्छे खासे मनी चाहिए तो आप लोग भी शुगर कैन बना सकते हो, रेड फार्म भी बना सकते हो, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ग्राइंड कर लोगे। एंड या हार्ट स्टील में तो भाई बहुत हार्ड। एंड भाई आई डोंट थिंक सो, क्यों उन्होंने मेरी मीडिया रैंक भी ले ली है यार। मीडिया रैंक थी तो सही था, पर मीडिया की डाटा था मिनिमम, पता नहीं बिना मतलब का, जबकि मैं वीडियो भी अपलोड रेगुलर करता हूँ। लॉल कोई नहीं, आयरन ट्रेनिंग से शायद होगा, कोई नहीं भाई, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। एंड इस वीडियो में से जितने भी सब्सक्राइबर बढ़ने वाले हैं मैं उनसे, हाँ लाइक देखो अगर इस वीडियो से 2 सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं उससे 1 डायमंड ब्लॉक गिव अवे करूंगा। तो या ये आप पे ऊपर है कि आप लोग कितने डायमंड ब्लॉक का गिव अवे चाहते हो, सब्सक्राइब कर दो इसलिए जल्दी से जल्दी। कोई बंदा या मैंडिंग देता है टाइड, ओ भाई 28। मे भी अभी के लिए तो एमरेल्ड नहीं है, पर इसमें स्ट्रिंग होगा आई थिंक सो। ओके तो सबसे पहले तो ओके मैंने अच्छा खासा इन्वेंटरी तो क्लियर कर लिया है। एंड मेरे पे मैंडिंग की पिक पैंट भी, समझ नहीं रहा इसका मैंडिंग है यार, हटाने का मन नहीं कर रहा, पर जो ये अभी के लिए छोड़ो। तो एंड जल्दी से सब फ्लैक्चर को बेचते हैं, फ्लैक्चर नहीं तो ये जो भी है, नहीं ये ओके जितना ट्रेड करना है कर ले। ओके 16 एमरेड इसे मिल चुका है। एंड ना भाई तेरे से काम नहीं है, और ये